बच्चों सुप्रभात। मैं प्रिया कश्यप आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज बच्चों अपने हम कक्षा की शुरुआत आज के सुविचार के साथ करेंगे। आइए देखिए आज का सुविचार। गलत तरीके अपनाकर सफल होने से बेहतर है कि सही तरीका अपनाकर असफल हो जाना, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कैसा रास्ता चुनना है, जो एक सही दिशा में हो। ये नहीं आप चोरी करके, है ना, या फिर कोई गलत काम करके आप बहुत अमीर हो गए, बहुत सफल हो गए हो, तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। बेशक उस काम में आप असफल हो जाएं, लेकिन आपको जो है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ करना है, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, चीटिंग करते हो। कई बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कई बच्चे चीटिंग करते हैं, तो क्या उस चीटिंग का आगे चलकर आपको कोई फायदा होने वाला है। जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे, अभी तो चलो आप मान लो कैसे करके पास भी हो गए, लेकिन उस चीटिंग से क्या होगा जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आगे बड़ी क्लास में, आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी कि हमने पढ़ा क्या था, है ना। तो इससे अच्छा है कि सही तरीके से आप अपने कार्यों को करें, बेशक उसमें असफल हो जाएं, लेकिन आपको ये रहेगा आपके मन में कोई वो नहीं रहेगी कि हाँ हमने ये गलत काम करके हम आए हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम अपना जो क्या नाम है, अपनी बात हम जो पहुंचाते हैं कैसे पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप लोग मुझे जीमेल करके भेजते हो, है ना, अपनी कोई क्वेरी होती है होमवर्क ऐसे जीमेल करके भेजते हो, और भी बहुत सारी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से क्या होता है हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। लेकिन बेटा बहुत समय पहले, इससे पहले जब ये सब चीजें हमारे पास नहीं थी, ये सब सोर्सेज नहीं थे हमारे पास, तो हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाते थे बताइए, किसी को पता है। हाँ लिखकर, वेरी गुड। हाँ चिट्ठियों के माध्यम से, है ना, हम क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे, है ना, अपने दूर रिश्तेदारों को, परिवार सदस्य को। या फिर अभी भी आप पत्र का महत्व देखेंगे कि कैसे पत्र अभी भी आपके स्कूल में, यदि आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए तो हम क्या बोलते हैं, आपको अपना एप्लीकेशन दे दो, लीव एप्लीकेशन दे दो, है ना। पत्र तो आप कैसे देते हो, या तो आप थ्रू ईमेल कर देते हो, या फिर आप क्या देते हो, हैंड रिटन देते हो। यानी पत्र आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं, है ना। तो बेटा आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे पत्र लेखन, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, पत्र लेखन। तो हम क्या करें बेटा आज, पत्र लेखन। आइए देखिए पत्र लेखन। पत्र बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र जो होता है वो होता है जब हम किसी सरकारी विभाग में दे रहे हो, ठीक है, आवेदन कहीं कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना पत्र हो, ठीक है, या फिर जैसे अपने स्कूल में देते हो, प्रधानाचार्य जी को दे रहे हो, है ना, ये सारा हमारा औपचारिक पत्र में आएगा। और अनौपचारिक पत्र में क्या आता है, रिश्तेदारों को जो हम लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं, है ना, पारिवारिक में किसी सदस्य को लिखते हैं, तो वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो अब जो हम करेंगे आज, आज मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप बताऊंगी, ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हम औपचारिक पत्र में प्रारूप को जानते हैं। प्रारूप की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है ताकि प्रारूप से हमें पता चल जाए कि पत्र में कौन सी चीज हमें कहाँ डालनी है, कहाँ लिखनी है, है ना, कहाँ पर हमारा विषय आना है, दिनांक कहाँ लिखनी है, ये सारा हमें किससे पता चलता है, हमारे प्रारूप से पता चलता है, ठीक है। तो प्रारूप को जानना बहुत जरूरी है, और प्रारूप से ही अगर आपको पता रहेगा तो आप किसी भी तरह का पत्र आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, पहले नंबर पे आप ये पॉइंट्स याद रख लेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि अरे ये वाला पॉइंट मेरा हो गया, चलो अभी वाला पॉइंट आएगा, तो आप इसके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सेवा में, है ना। अब आप किसी अच्छे अपने अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो पहले आप सेवा में ही लिखेंगे, है ना, आपको आदर देना है उनको तो आप सेवा में लिखेंगे, ऐसे ही पत्र नहीं शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आएगा पदनाम। अब जिसको भी आप लिख रहे हैं वो कौन से पद पर है, है ना, जैसे आप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो वो एक प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य हैं, तो आप वो लिख देंगे यहाँ। फिर पता, जिसको भी आप लिख रहे हैं
क्या पता है वहाँ का, विद्यालय का जैसे नाम आ जाएगा अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो। फिर आएगा विषय, विषय में आप लिखेंगे कि आपका जो पत्र है आपका विषय है क्या, किस वजह से लिख रहे हैं, आप बीमार हैं, आपको कहीं जाना है, किस विषय है क्या आपका, ठीक है वो लिखना है आपको। फिर आएगा संबोधन, संबोधन में आप जिसको भी लिख रहे हैं जैसे महोदय आ जाएंगे या महोदया आ जाएंगी, जो भी आपके विद्यालय में होगा या होंगी उसके हिसाब से आप ये लिखेंगे, संबोधित कर रहे हैं जिसको भी पत्र आप संबोधित कर रहे हैं। फिर आएगा बेटा पत्र की विषय वस्तु, पत्र की विषय वस्तु में यह आएगा जो भी, जो आपने यहाँ पे विषय डाला था ना कि क्यों आपको छुट्टी चाहिए, क्यों आपको अवकाश चाहिए, अब यहाँ पर आप उसकी पूरी जानकारी एक विस्तृत रूप में देंगे, पूरी डिटेल में आप यहाँ पर बता देंगे कि हाँ मुझे, मैं बीमार थी या मुझे कहीं जाना है इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगी, आप पूरी जानकारी अपने पत्र की इस विषय वस्तु में दे देंगे। फिर उसके बाद आएगा बेटा समापन, अब आपको समापन कैसे करना है, अब आपने अपनी पूरी बात लिख दी है, अब आपको समापन धन्यवाद के साथ करना है, ठीक है धन्यवाद के साथ आप समापन करेंगे। और इससे पहले आप विषय वस्तु में ही नीचे लिख देंगे कि कृपया करके आप मुझे इतने दिन के अवकाश दें, फिर उसके बाद जैसे ही वो बात खत्म करेंगे आप अपनी या समापन में आप क्या करेंगे, धन्यवाद लिख देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा आठवें नंबर पर लिखने वाले का नाम, अब आपका जो भी नाम होगा तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है कक्षा या कक्षा भी लिखने तो आप लिख सकते हैं, नाम के नाम जरूर लिखना है लेकिन। फिर उसके बाद है दिनांक, दिनांक जिस भी दिन आप ये पत्र लिख रहे होंगे, जैसे 27 तारीख है तो आप 27 लिखेंगे, जिस भी दिन आप पत्र लिखेंगे किसी को भी या अपने आपकी परीक्षा में भी आ गया तो आप उस दिन का ही दिनांक डालेंगे, ठीक है बेटा ये प्रारूप समझ आया सबको अच्छे से। चलिए अब मैं आपको दो उदाहरण के माध्यम से पत्र अच्छे से समझाऊंगी, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा। पहला है आपका बीमार होने पर अपने प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करा था, सेवा में है ना, देखो सेवा में, फिर पदनाम क्या आएगा, प्रधानाचार्य जी, फिर पता, पता कहाँ का आएगा पूरा बेटा, आप अपने प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं ना तो आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, जैसे विद्या बाल भवन मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 1196। फिर उसके बाद देखिए बेटा विषय, विषय क्या है आपका, बीमार होने के लिए चाहिए आपको, बीमार आप हो रखे हैं तो उसके लिए अवकाश चाहिए, तो बीमार होने पर अवकाश। फिर उसके बाद संबोधन कर रहे हैं हम, तो आप क्या लिखेंगे, आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो महोदय, ठीक है बेटा महोदय। फिर उसके बाद आपकी विषय वस्तु आ जाएगी अब, है ना, यहाँ पर पूरी आपको जानकारी देनी है, जैसे आप हमने वाले स्टेप में अपने प्रारूप में बताया था कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 4 का छात्र राम हूँ, यहाँ मैंने राम लिख दिया है, आपका जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं। मुझे कल रात से तेज बुखार हो रहा है जिस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पूरी जानकारी दे दी, अपना विषय की पूरा जानकारी दे दी, आप क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि आपको बुखार है। फिर उसके बाद कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, यहाँ पर आप समापन करेंगे, समाप्त कर देंगे धन्यवाद के साथ, धन्यवाद भव्य कक्षा 4 राम, और फिर सबसे आखिरी में क्या था बेटा, दिनांक थी तो 27 जुलाई 2020, ठीक है। ये पत्र सभी को समझ में आ गया अच्छे से, देखिए सबसे पहले हमने, अब देख लीजिए ध्यान से, सेवा में प्रधानाचार्य जी विद्या बाल भवन आपके विद्यालय का नाम, फिर विषय, फिर संबोधन आपने कर दिया महोदय से, फिर आपकी विषय वस्तु पूरी आ गई है, ठीक है, फिर समापन आपने धन्यवाद के साथ कर दिया, फिर नाम और एवं दिनांक, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हमारा दूसरा उदाहरण देखेंगे, जरूरी कोई कार्य आने पर 1 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखें, वो 2 दिन का था और ये 1 दिन के लिए है, ठीक है। जैसे ही हमने वहां किया था वैसे ही करना है, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, ठीक है, फिर उसके बाद पता आ जाएगा विद्या बाल भवन मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 1196। फिर उसके बाद हमारा आएगा विषय, जरूरी कार्य आने पर 1 दिन का अवकाश, है ना, यही था हमारा, आपने ऊपर देखा था। फिर संबोधन करेंगे महोदय से, महोदय, फिर आप पहले बताएंगे
कि आप हो कौन, है ना। मैं आपके स्कूल की छात्रा कक्षा 4 में हूँ। मुझे आज घर पर एक जरूरी कार्य के लिए पिताजी के साथ जाना है, जिस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, है ना। असमर्थ की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं स्कूल आज नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ पाई, तो कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, फिर समापन करेंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद भवदीय कक्षा 4। अब यहाँ मैंने एक लड़की का नाम लिखा है, वहाँ एक लड़के का था और यहाँ एक लड़की का, जैसे राधा या आपका जो भी नाम है आप लिखेंगे। और फिर आखिरी में आपको दिनांक लिखनी है कि जिस भी दिनांक को आप ये पत्र लिख रहे होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से ये वाला पत्र? आइए एक बार और देख लीजिए। देखिए, है ना, सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर पता आ गया विद्या बाल भवन मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 1196, फिर विषय, फिर महोदय, फिर विषय वस्तु आ गई आपकी पूरी, फिर आपने समापन किया और नाम और दिनांक लिख दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपको आज का गृह कार्य बताती हूँ। आइए देखिए बच्चों, देखिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, है ना। मैंने आपको समझा तो दिया है, साथ साथ बेटा आपको इसका PDF भी मिलेगा, है ना। उसमें देखो ये प्रारूप भी दिया गया होगा, देख रहे हैं, ये प्रारूप भी होगा, साथ साथ ये पत्र भी होंगे जो मैंने आपको कराए हैं, देख रहे हैं आप, पत्र भी होंगे साथ साथ। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से पहले समझिए इसको। और जो हमने ये दूसरा पत्र किया है, हमारा दूसरा उदाहरण था, वो भी उसमें होगा। ठीक है बेटा, अब चलिए अब देखते हैं हम हमारा आज का गृह कार्य। ठीक है, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, आज का दिनांक डालेंगे, कक्षा कार्य लिखेंगे, पहले ये दोनों पत्र लिखेंगे, उसके बाद गृह कार्य जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने देखा, आज मैंने आपको पत्र का प्रारूप बताया, औपचारिक पत्र का। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक जो स्टेप मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे क्या आना है, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, ठीक है, सारे स्टेप आप देखिए। उसके बाद जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और अपने कक्षा कार्य आप लिखेंगे, उसमें आपको वो दोनों अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है। और आपका जो गृह कार्य है, आइए देखिए गृह कार्य बेटा आपका, जरूरी कार्य आने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 4 दिन का अवकाश पत्र, ठीक है, आपको लिखना है। पहला ये, दूसरा देखिए, अपने भाई के जन्म दिन पर जाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 1 दिन का अवकाश पत्र। दोनों समझ आ गए बेटा, ये दोनों आपको समझ आ गए? देखो बेटा, आज मैं जो मैंने आपको कराया कक्षा कार्य और आज का जो गृह कार्य है, ठीक है, उसका आपको PDF भी मिलेगा। तो जो कक्षा कार्य है उसको तो आपको अच्छे से PDF दिख जाएगा, लेकिन जो गृह कार्य है आपको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से सब बच्चों को करना है, है ना। तो मैं आशा करती हूँ बेटा आपको आज का जो मैंने समझाया है पत्र, उसको अच्छे से समझ आया होगा आपको। ठीक है, और सभी बच्चे अपने माता पिता का कहना मानिए और ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव होके बैठिए। ठीक है, और वीडियो जो भी हम आपको बताते हैं उसको ध्यान से देखिए, है ना, और एक एक करके अपना जो है रिवीजन वो भी स्टार्ट कर दीजिए।